कलयुग में भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस का पान कर रहा है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है, वैसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि पृथ्वी पर मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मेरे समान यहाँ कोई नहीं। चलिए बात करते हैं वर्तमान समय की। तो भारत में वृंदावन धाम श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला भूमि है। वहीं से शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी रस को देश भर में वितरित करने की, जहां से कृष्ण भक्त जगह जगह पहुंचकर कृष्ण नाम को जन जन तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री हरि नाम प्रचार समिति ने चंडीगढ़ सेक्टर 27 स्थित सनातन धर्म मंदिर में 18वीं संगीतमयी श्री मद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ये भक्ति कार्यक्रम 21 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। शनिवार को इसी भक्ति ज्ञान यज्ञ की शुरुआत बड़ी धूमधाम से हुई। इस कार्यक्रम में वृंदावनवासी श्री देवकी नंदन श्याम सखा वचनों से भक्तों को कृष्ण नाम का रसपान करवाएंगे। आचार्य देवकी नंदन जी श्याम सखा वृंदावन से श्रीमद् भागवत की कथा करने हेतु यहाँ पर आए हुए हैं, और लगभग जो है हम अपने जीवन के 500 कथा से ऊपर कथाएं अभी तक कर चुके हैं। और यहाँ हम लोग लगभग 15 वर्ष की अवस्था से श्री गुरुदेव की आज्ञा से और पिताजी के आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा जो है हमने शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करके 15 वर्ष की अवस्था से भागवत जी के प्रचार प्रसार, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हम निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। केवल स्वार्थ है तो उसमें जन कल्याण का स्वार्थ है, इससे कोई धन उपार्जन की कोई इच्छा नहीं रखते हैं कि जिससे समस्त संसार का कल्याण हो, समस्त जीव का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ साथ यही भावना रखते हुए यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है आपके शहर चंडीगढ़ में, और इस आयोजन को कराने वाले जो श्रद्धालु हैं उन सभी के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो वह इस प्रकार से यहाँ प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन कराते रहते हैं भागवत जी के। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।